हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विवाह पंचमी के बारे में जानेंगे। इस साल 28 नवंबर को विवाह पंचमी है। ये पर्व हर वर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। अगहन यानी कि माघ शेष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। विवाह पंचमी का ये पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में आयोजन किए जाते हैं, साथ ही प्रभु श्री राम और सीता की पूजा की जाती है। वैसे तो भगवान राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन संघर्षों से भरा था, इसके बावजूद भी जब भी आदर्श पति पत्नी के उदाहरण की बात आती है तो लोग श्री राम और माता सीता का ही नाम लेते हैं। श्री राम और सीता जी ने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विवाह पंचमी कब है, विवाह पंचमी की पूजा विधि और विवाह पंचमी का महत्व। साथ में जानेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए या विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम सब अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान राम और माता सीता की वैवाहिक वर्षगांठ मनाए जाने की परंपरा जो है बरसों से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ शेष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में हर साल मनाई जाने की परंपरा है। इस दिन जो भी राम भक्त हैं, हिंदू धर्म के सभी भक्त व्रत रखते हैं वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए माता सीता और श्री राम जी का आशीर्वाद मांगते हैं। इस वर्ष विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के एक अवधि संस्करण की रचना भी पूरी की थी। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी का महत्व। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन जो कन्याएं व्रत रखती हैं उनके विवाह के शीघ्र ही योग बनते हैं। जो इस दिन व्रत करने वाले युवक हैं उनका भी शीघ्र विवाह होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमारों के समक्ष ये शर्त रखी थी कि उन्हें भगवान शिव के पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। जो ऐसा करने में सफल होगा उनसे राजा जनक की पुत्री का विवाह संपन्न होगा। जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, कोई भी राजकुमार या राजा पिनाक धनुष को अपने स्थान से हिला नहीं पाया। फिर गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे राम और लक्ष्मण से यह धनुष उठाने के लिए कहा गया और फिर भगवान राम आए और उन्होंने उस चमत्कारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर राजा जनक को बेहद प्रसन्नता हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। तब से इस दिन विवाह पंचमी के रूप में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सीता राम के मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं और
भक्तजन इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी संपन्न करते हैं, व्रत रखते हैं। वर्तमान में जनकपुरी नेपाल में स्थित है, जो जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। इस दिन वहाँ और अयोध्या में भव्य आयोजन होते हैं। विवाह पंचमी के दिन धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन विवाह नहीं होते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जैसे माता सीता और श्री राम को वियोग सहना पड़ा था, उसी प्रकार से इस दिन विवाह करने वालों को भी वियोग सहना करना पड़ता है, इसलिए इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद पाने के लिए सभी साधक युवक युवतियां व्रत रखती हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए विधि पूर्वक भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करती हैं, व्रत रखते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद माता सीता और श्री राम जी की प्रतिमा को देखकर मन ही मन उनका ध्यान करें, और अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर व्रत का संकल्प जरूर लें। लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और उस पर नया लाल रंग या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माता सीता की प्रतिमा रख लें, माता सीता को लाल और भगवान श्री राम को पीले रंग के कपड़े पहनाएं। उसके बाद दीपक जलाएं, फूल माला पहनाएं और दोनों को तिलक करें। भगवान को भोग और प्रसाद अर्पित करें और फिर आरती करें। इस दिन दोस्तों रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करें। इस दिन पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर होती हैं। आइए हम जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के अलावा आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। दोस्तों मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए विवाह पंचमी के दिन व्रत रखकर श्री राम और माता सीता का पूजन करें और उनका विवाह संपन्न कराएं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अगर समस्या है तो विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस में लिखे राम सीता प्रसंग का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस विवाह पंचमी के दिन पूरी हो गई थी, इसलिए यदि इस दिन घर में इसका पाठ करते हैं या कराते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में सुख शांति आती है, संबंध अच्छे बनने लगते हैं और एक दूसरे में आदर सम्मान की और प्यार की भावना बनने लगती है। इस दिन सीता राम की विधि विधान से पूजा करने और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर किसी को संतान संबंधी कोई परेशानी है, यानी कि पहले से कोई संतान है और उसे किसी तरह की समस्या है, तो विवाह पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से वो परेशानी भी दूर हो सकती है। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। और कुंवारी कन्या यदि पूरे मन से सीता राम की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन अनुष्ठान कराने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा रुकावट सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन में सुख शांति प्रेम और सकारात्मकता आती है। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी 27 नवंबर को शाम के 4:25 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि समाप्त होगी 28 नवंबर को दोपहर के 1:35 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:36 तक। इस दिन शुभ मुहूर्त में अपने फ्यूचर के लिए कुंवारी कन्याएं और युवक एक मंत्र का जाप मैं बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप करने से मनचाहे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम जानकी वल्लभाई नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और भगवान श्री राम के समान
सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। मंत्र जाप करते समय मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें और व्रत रख सकते हैं तो व्रत करें और अपनी मनोकामना भगवान से कहें। ऐसा करने पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि पति पत्नी के बीच रोज़ बिना बात के झगड़ा होता है तो विवाह पंचमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर के रामचरितमानस में वर्णित सीताराम प्रसंग का पाठ करें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि इस पाठ को करने से शादीशुदा यानी कि वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां, कलह क्लेश दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन मधुर हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। विवाह पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।